आई परमेश्वर, वैसे तो ग्रह प्रवेश की विधि के दौरान पति पत्नी का सहारा बनता है। कलश को ठेस लगाते समय पत्नी अगर संतुलन गवा बैठे तो पति अन्ना, जिसका खुद का संतुलन खो गया हो, मुझे उसके सहारे की जरूरत नहीं है। इस घर की दीवारें परंपराओं की नींव पर टिकी हैं, मेरे लिए इनका सहारा काफी है। परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं है, ये बात कब समझेंगे ये लोग? शायद कभी नहीं। जब तक गायत्री अन्ना की सोच को बढ़ावा देती रहेगी तब तक नामुमकिन है। चलता हूं मम्मी पापा। अरे क्या, चलता हूं क्या? चुपचाप घर चल। बेटा, हमें साथ मिलकर इस मसले का हल ढूंढना है, तू हमारे साथ ही रहेगा बस। और परिवर्तन की बात की है ना, तो अब देख असली परिवर्तन। बेटी अगर ससुराल में गृह प्रवेश कर सकती है तो दामाद अपने ससुराल में गृह प्रवेश क्यों नहीं कर सकता है? तेरी विदाई की ना उन लोगों ने, अब मैं तेरा गृह प्रवेश करवाती हूं। रुक जा बेटा। भारती, आले सासु भाई। ये बा मस्त अकल कंठ, ये जो कुछ भी हुआ उसमें मस्त क्या लगा तुझे? अन्ना, मैं और गायत्री सेम बेंच। सुप्रिया मुझसे दूर चली गई और गायत्री अभिषेक से दूर चली गई। नहीं, गायत्री नहीं, अभिषेक गायत्री से दूर चला गया। तो सेम पिंच तो सुप्रिया और अभिषेक का हुआ। हाँ, तो हुआ ना मेरा और गायत्री का सेम पिंच। नहीं नहीं अमोल बाड़ा, अभिषेक सुप्रिया की तरह घर छोड़ के नहीं गया है, उसको घर से निकाला है, अन्ना ने निकाला है। और उसे पना किसने दी? किसने दी? थग ऑफ महादेव पेट, वो आदमी जिसको आज तक हमारे बेचारे अन्ना छोटा पाओ छोटा पाओ छोटा पाओ छोटा पाओ कहके थकते नहीं थे। वैसे महेंद्र भाव ने बोलो, आप जरा शांत रहेंगे? क्यों जलती हुई आग में घी के डिब्बे डाले जा रहे हैं? अरे मैं निर्मिति, मैं घी डाल रहा हूं आग में? अरे ये तो प्रभाकर, अरे बोलिए ना, मौका मिला है तो। हाँ, मैं शुरू से बताता हूँ,
तो दरअसल महेंद्र भाव ने हमें बस कीजिए प्रभाकर दादा, बस कीजिए, अब फिर से जले में घी डाल रहे हैं, चुप रहिए। अरे वो तो तू केशव भैया, बोलने दीजिए प्रभाकर भैया को, सारा कसूर पापा का ही है। भाई 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 भाई, कितना कोसोगी तुम अपने पापा को गायत्री, कहीं इस सदमे से उन्होंने आत्महत्या कर ली तो। शुभ शुभ बोल भारती। बराबर, कहीं इस सदमे से उर्मिला वेनी ने आत्महत्या कर ली तो। अरे महेंद्र भाव ने गलती की तो उसमें उर्मिला बहन क्यों आत्महत्या करेगी बिंडोक। बराबर, तो फिर कौन करेगा मुझे बता दीजिए, मैं नाम ले लूं। वहिनी, आपको किसी से आत्महत्या करवानी ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी है क्या? तू जरा अंदर जाके देख सुहागरात वाले कमरे में। कैसी सुहागरात, दूल्हा ही नहीं है घर में। वो तो बेचारे अन्ना को धोखा देके बैठ गया अपने ससुर की गोद में। बहुत सही बोले आप प्रभाकर दादा। मैं? क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप? अभिजात के कुमकुम पगले हैं यहाँ पर। इधर, कंफर्म कर दिया तूने कि ये जिंदगी भर यहीं रखने वाला है? ऐसा क्या बोल रहे हो आप महेंद्र? और नहीं तो क्या, तूने ज्योत्सना भाभी से क्या कहा था कि गायत्री के कुमकुम पगले ले लीजिए, अभी वो अखंड सौभाग्यवती बन के जीवन भर आपके यहाँ रहने वाली है। तूने अभिषेक के कुमकुम पगले लिए तो अभी अखंड सौभाग्यवंता बनके हमारे यहाँ रहेगा। क्या महेंद्र, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम गायत्री को यहाँ ले आए? आप शांति रखिए ना, बेचारे का चेहरा देखिए हमारे दामाद का, बेचारे के हनीमून के टाइम पर हनी उधर और मून इधर हो गया है। बिस्किट, ए बिस्किट, सब ठीक हो जाएगा ना बेटा? हाँ बोल, इधर दी, पापा को दी, पापा को दी, पापा को, हाँ बोल, देखा, हाँ बोला पापा, हाँ नहीं वो हाँ बोला। सब कैसे ठीक होगा मम्मी पापा? मींस के मैं मम्मी और आप पापा। ठीक है, आज ऐसा रखते हैं, तू मम्मी और मैं पापा। अरे मैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोली, अभी हालात ही ऐसे हो गए महेंद्र। नॉर्मल शादी में लड़की विदाई लेकर अपने ससुराल जाती है, यहाँ बेचारा हमारा दामाद विदाई लेकर ससुराल आया है, तो ये एबनॉर्मल लोगों की शादी बन गई है ये। नहीं नहीं, मैं तो बोलती हूँ शादी ही एबनॉर्मल हो गई है। अभिषेक बेटा, ऊपर गायत्री के रूम में जाके फ्रेश हुआ। मेरी मेरी गायत्री का कमरा, अभी आप क्यों रोने लगे मोर की तरह महेंद्र? कितने अरमान थे मेरे उर्मिला, रिसेप्शन होगा, एक छोटी सी पार्टी होगी, उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी होगी, सारा इंतजाम हो गया था, अन्ना भाई भी मान गए थे, सारे अरमान अधूरे रह गए मेरे, पैसे भी पूरे दे दिए थे हमने। कुछ पूरे पूरे नहीं दिए है पैसे, गुजरातन हूं मैं, गुजरातन, सिर्फ एडवांस देकर आई थी उन लोगों को, और मैंने उनको फोन करके भी बोल दिया है कि मेरे नरोत्तम मामा गुजर गए हैं तो अभी फंक्शन नहीं होगा करके। आपके मामा गुजर गए? 10 साल पहले गुजर गए थे, आज ही के दिन, अभी वापस मार डाला थोड़ा मैंने उनको, और उन लोगों ने मुझे सामने फोन करके भी बोल दिया कि बेन आप टेंशन मत लेना, नई डेट पर जो फंक्शन होगा ना तब एडजस्ट कर लेंगे। अरे क्या नई डेट, कैसे होंगे फंक्शन? महेंद्र आप ना बहुत वो हो गए हो एकदम। अरे वो क्या बोलते हैं उसको, वो सुके भाई पहलू, कैमरा में नहीं होता है वो फोटो? अरे ना ना वे फोटो नहीं, वो फोटो का होता है ना जो एल्बम। अरे ना आपके जैसे चेहरे वाले को बोलते हैं वो
हैंडसम तंबूरो हैंडसम। अरे अरे वो होता है ना नेगेटिव। हाँ ले ले, 22 साल मेरे साथ रहने के बावजूद आप नहीं समझे, लेकिन मेरा दामाद मेरे घर में 22 मिनट रहने के बावजूद समझ गया मेरी बात। नेगेटिव। आप नेगेटिव मत होइए ना इतना महेंद्र। मैं? और नहीं तो क्या, अभी शांति रखिए। मुझे पूरी आशा है। आशा क्या, मुझे पूरी की पूरी आशा पारेख है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ पर कैसे होगा उर्मिली? गरम तवा होता है ना महेंद्र, उस पे राई ज्यादा फुदकती है। उसी तरह अन्ना भाई के गरम दिमाग पर इस वक्त गुस्सा फुदक रहा है, इसलिए राई का पूरा पहाड़ बन गया है। जैसे ही अन्ना भाई का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो अपनी राय बदल देंगे, नहीं तवा बदल देंगे, नहीं वो राय, वो जो भी है वो बदल देंगे। हाँ। मुझे विश्वास है। क्षमा करना गायत्री, मुझे क्षमा करना, मैं गुनेगार हूँ तुम्हारा। अन्ना ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बरोबर बोल रहा हूँ। मैंने ये परंपरा विरंपरा की जिद नहीं पकड़ी होती तो अभिषेक और महेंद्र भाव ने इतना बड़ा छल नहीं किया होता, और आज तुम अकेले नहीं बैठती ऐसे। अब मेरा ही नसीब खराब है। अमोल और सुप्रिया की शादी करवाई तो ये अकेला रह गया, और आज तुम। ये सब मेरे ये संस्कृति परंपरा ये झंडा पकड़े रखने की वजह से हो रहा है। परमेश्वर बस छोड़ो छोड़ो, अभी छोड़ो। ले जाल केशव प्रभाकर। हाँ अन्ना। ओ अहमदाबाद क्या, इधर अपनी ही दुकान पे बेचो, चाइनीज बीनी जो कुछ भी बेचना है बेचो, खत्म करो किस्सा। देखा देखा प्रभाकर दादा, देखा मैंने कहा था ना हमारे अन्ना बहुत फ्लेक्सिबल है। अन्ना प्रभाकर दादा ने रेसिपी बुक रेडी रखी है, वो थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। मैं किधर? अपनी दुकान में और किधर। अरे आप ही तो बोले थे ना प्रभाकर दादा, भूल गए आप? प्रभाकर बदलो बदलो बाड़ा, तुझे जो भी बदलना है बदल दे। मैं अभिषेक और महेंद्र भाऊ की माफी मांग के आता हूँ। नहीं नहीं अभी उनकी क्या गलती है, अभिषेक ने हमारी संस्कृति और परंपरा का व्यापार ही किया है ना, अपना ईमान तो नहीं ना बेचा है? ठीक है। पति पत्नी के बीच में ये सब चलते रहता है बेटा। वो पिक्चर में नहीं दिखाया था, वो हम हृदय दे चुके सनम, उसमें वो अजय देव बंधु देवगन देवगन। हाँ भाई यही सेम अवे अभी, गन बंदूक दोनों सेम ही होता है ना। मैं इसको समझाने बैठी हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है और ऐसे टाइम पे आप क्या बाल की खल निकालने बैठ जाते हो? तू टेंशन मत ले अभी जाते, अन्ना भाई का दिमाग ऐसे थोड़ा शांत होगा ना तो उनको खुद को समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें आप दोनों की गलती नहीं है। हाँ। और अगर है भी तो क्या, एक गलती तो कोई भी माफ कर देता है ना। अभी मेरी ये गलती भगवान ने माफ करके मुझे गायत्री जैसी दिकरी और तेरे जैसा दिकरा दिया कि नहीं? मैं गलती हूँ? देख ऊपर से मान भी रहे हैं। अरे मान नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुझसे। कब तक आप सब कुछ मुझे पूछ पूछ के समझेंगे महेंद्र? नहीं ये सब अभी टाइम नहीं है मेरे पास। चल तो चल, अभी के अभी अन्ना भाई के पास जाकर ये पूरा मामला है ना सुलटा देते। चल चल तू चल। बेसन बिस्किट मम्मी गुस्सा मजे खा लिया। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं ही झुक जाता हूँ। अरे उसमें क्या है, ये शादी धूमधाम से करनी थी, खर्चा निकालना था तो नहीं क्या उसूल तोड़े? हाँ
ग्यारह ग्यारह बजे तक दुकान खुली रखी, ये खरीदने पर वो फ्री, वो खरीदने पर ये फ्री, सब उसूलों के साथ। जब मैं अपना स्वाभिमान निगल सकता हूँ तो गुस्सा भी निगल जाता हूँ। पर वैसे भी अभिषेक और महेंद्र भाव ने एक गलती की। सिर्फ एक गलती नहीं की है उन्होंने। आपको ये नहीं पता कि आप अपना स्वाभिमान निगल के अपने उसूलों के साथ समझौता करके देर रात तक दुकान में काम करते रहे, क्योंकि क्योंकि आपको धूमधाम से शादी करने के लिए उकसाया गया था। उकसाया गया था मतलब? मतलब ये अन्ना कि आपकी खुशामद करने के लिए उन दोनों ने एक सोचा समझा प्लान बनाया था। ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं गायत्री बाड़ा। मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ अन्ना। जब आपने सीधे साधे तरीके से शादी करवाने का फैसला किया, तब अभिषेक और पापा ने मिलकर ये प्लान बनाया कि किस तरह आपकी तारीफें कर करके आपको बहकाया जाए। इतना बड़ा धोखा दिया इन लोगों ने मुझे। हाँ जोचना, वो मेरा राम इतना बड़ा छलावा किया उसने। बघा ना अन्ना, छे ना, मुझे स्वाभिमान गुस्सा तो अपना ही होता है, वो तो हम जब चाहे निकल सकते हैं, लेकिन उसूल तो हमारी धरोहर है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं हमारे उसूल, हमारे आदर्श। ये देखो आदर्शवादी, ये किसके संवाद उठा के बोल रहा है तू? नहीं नहीं, बरोबर बोल रहा है जोचना, मेरा केशव बरोबर बोल रहा है। मुझसे खर्चा करवाने के लिए अभिषेक और महेंद्र भाव एक हुए। तो धर्मेंद्र और जीनतमान एक हुए? कबास! अब एक वाक्य भी बोला ना तो तू भी घर से बाहर जाएगा। आप चुप रहिए, यहाँ अन्ना के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है रा। निर्मिति, अगर इसके इशारे का मतलब पूछा ना तो तुम दोनों भी बाहर। अरे वाह, गोखले फैमिली क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, एक के बाद एक सब आउट। अमोल बाड़ा, तू अंदर जा, तेरे सोने का समय हो गया है। मेरा सोने का नहीं, कहानी सुनने का वक्त हुआ है मालूम। अच्छा ठीक है, तू जा अंदर, बच्चों को कह तुझे कहानी सुना दे। बरा बंडिया, चलो खबर लेते हैं सबकी। चलो चलो चलो, मैं बोल रही हूँ, अन्ना भाई से माफी मांग लेंगे तो वो मान जाएंगे। ले जाएंगे क्या, ये तो आ रहे हैं और आ भी गए। अन्ना भाई, मैं इन दोनों को लेकर आपके यहाँ ही आ रही थी और आप सामने से आ गए। इसको बोलते हैं संजोग। इसको संजोग नहीं बोलते हैं, धोखा बोलते हैं, धोखा। आओ, आपके मराठी में जो भी बोलते हो वो रखो ना। बस अन्ना भाई आप राजी रहो बस। चलो अभी महेंद्र, अभिषेक दोनों अन्ना भाई को सॉरी बोलो और उनके गले लग जाओ। लग जाओ, गले लग जाओ और फिर भोंक दो खंजर मेरी पीठ में। अफजल खान, औरंगजेब। है अबे आ सुनो हुआ व्यू। अन्ना भाई अभी ये सबके बीच में इतिहास कहाँ से आ गया? इतिहास तो इन दोनों का निकलेगा, गायत्री ने सब बताया है मुझे। शादी धूमधाम से करने के लिए क्या क्या नाटक किया, दूध वाला पत्रकार बने, मुझे बहलाया फुसलाया, खुशामत कर करके उकसाया मुझे। हाय हाय गायत्री, तूने ये सब भी बता दिया इनको? हाँ, मतलब आपको भी मालूम था? नहीं नहीं, मींस के मुझे मालूम नहीं था, मींस के अभी। अन्ना भाई आप ऐसा मत बोलना कि मैं भी इन लोगों के षड्यंत्र में शामिल थी। आपकी कसम अन्ना भाई, ये पत्रकार बने ना तब तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, वो तो दूध वाला बने उस दिन मुझे पता चला। अरे हाँ, अभी याद आया मुझे। मींस के आपने नहीं पहचाना अन्ना भाई? ये वो गरीब दूध वाला है जिसकी डेयरी से आप शादी में ढेर सारा दूध लेने वाले हैं।
हाँ भाभी जी, तने हम का भी तो बोलने दीजिए। अरे मसूद, आप बोलिए ना गौरी शंकर भाई। अच्छा एक मिनट, ए उर्मिला बहन, आपने अभी बताया आप अभी मिले इनको बरोबर? हाँ हाँ, अभी 5 मिनट पहले। तो भी आपको इनका नाम बरोबर याद रह गया, कमाल हो गया। नहीं वैसे तो हमेशा नाम में गड़बड़ करती रहती है, लेकिन उस दिन इनका नाम बरोबर पता था आपको, गौरी शंकर दूध वाला। समझ गया मैं, दोनों ने फैमिली प्लानिंग की थी और आए थे मुझे बहला फुसलाने। जोयू जोयू जोयू, अब इन्होंने मुझे भी घसीट लिया इसमें। तो बरोबर ही है ना उर्मिला वहनी? नहीं, ये जब भी दूध वाले बने थे तभी आप नहीं क्या बोली थी कि महेंद्र मुझे भी देखना है, मजा आएगा मजा आएगा। हमारे बेचारे भोले अन्ना का कोई मजाक उड़ाए वो देख के आपको मजा आएगा उर्मिला वहनी, है कि नहीं प्रभाकर दादा? मुझे कहाँ कुछ बोलने दिया था तूने केशव? अरे तो वो एहसान मानिए मेरा कि आपको बोलने नहीं दिया। पर आप अगर बोलते ना तो आप भी इनकी साजिश का हिस्सा बन जाते, आप भी इनके गिरोह में शामिल हो जाते। गिरोह? अरे कितना गिरा हुआ इंसान है ये कपटी केशव, तू अभी क्या दूध का धुला बन रहा है? हाँ देखिए अन्ना भाई, देख लिया महेंद्र भाऊ, देख लिया मैं अपनी संस्कृति परंपरा उसूलों का गला घोटने के लिए तैयार हो गया था, तभी गायत्री ने मुझे बताया कि मेरी सोच का सिर्फ अपमान नहीं हत्या करने की साजिश रची थी आपने और अभिषेक ने मिलकर।